बहुत सारी मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। आज मैं जब जामशोरो और सिटी हॉस्पिटल में राउंड कर रहा था, काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर, कैथ लेबॉरटरी के अंदर और आईसीयू के हवाले से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई। माशाल्लाह वेल इक्विप्ड फैसिलिटी है, इसमें वो सारी फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू की हैं, जो दुनिया के किसी भी आईसीयू में हो तो वो सारी हैं। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमारे इस हॉस्पिटल का मेयार कराची के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। हेल्थ केयर कमीशन की टीम की जानिब से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो की इंस्पेक्शन के दौरान लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद को सूबे का बेहतरीन और स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल करार दे दिया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की 12 अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने 3 दिन तक अस्पताल के तमाम शोबा जात का दौरा किया। इस हवाले से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने बताया कि वफाकी लेवल पे हर सूबे में हेल्थ केयर कमीशन्स कायम किए गए हैं, जो कि हॉस्पिटल्स को विज़िट करके उनके स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं अपने पैरामीटर्स पे, और उनकी कमियां और कोताहियां ठीक करवाने के बाद उनको रजिस्टर करते हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन कराची में जिनका दफ्तर है, उनकी टीम हमारी इस हॉस्पिटल में 3 दिन के दौरे पे आई हुई थी, जिसमें 12 अफसर शामिल थे और उन्होंने इसी हॉस्पिटल का तफसीली दौरा किया। 3 दिन मुकम्मल करने के बाद उनकी हायर अथॉरिटीज़ के अफसरान भी यहाँ आए थे और उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स जब यहाँ पेश किए तो उन्होंने इसी हॉस्पिटल की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने बताया कि कराची के भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स उन्होंने देखे हैं, उनके मुकाबले में लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशोरो दोनों विंग्स को मेयारी तरीके से चलाया जा रहा है। उन्होंने हॉस्पिटल के आईसीयूज देखे, पैथोलॉजी देखा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट देखा, वार्ड्स देखे, पेशेंट से मुलाकातें की, इंडोर और आउटडोर पेशेंट्स को देखा, हमारी इमरजेंसीज को देखा और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि हमारे इस हॉस्पिटल का मेयार कराची के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। इस सिंध हेल्थ केयर कमीशन से पहले आगा खान की टीम भी इसी हॉस्पिटल को विज़िट करने आई थी और उन्होंने भी हमारे हॉस्पिटल के सेटअप को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि ये एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरो के मेडिकल सुपरिटेंड डॉक्टर मुबशिर अली कोलाची ने बताया कि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद मुल्क का पहला सर्टिफाइड अस्पताल होने का एजाज़ हासिल कर लेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो व्यूज़ रहे या उनके जो कमेंट्स थे या जो उन्होंने अपने इन द एंड वो अपने ऑब्जर्वेशंस हमसे शेयर की ऑफिशियली, तो उनका ये ख्याल था और ये कहना भी था कि सर्विसेज के हिसाब से तो ये अदारा अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, कहीं भी सर्विसेज में ऐसी कोई मेजर इशू उनको नज़र नहीं आया। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएंगे और शायद हम पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के पहली हॉस्पिटल हों जो ये लाइसेंस हासिल कर सके। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर लाइसेंसिंग एक्रीडिटेशन डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ख्वाजा ने कहा कि कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों को भी देखा है मगर सिविल अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो देखकर हैरान रह गए हैं। मैं भी यहाँ लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो का ग्रेजुएट हूँ और 89 में मैंने ग्रेजुएशन की, 90 में मैंने हाउस जॉब किया यहाँ पर। तो माशाल्लाह मुझे आज जब मैं राउंड कर रहा था तमाम वार्ड्स का यहाँ पर और जामशोरो में, और जो मेरी टीम ने जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ने जो फाइंडिंग्स यहाँ के मैनेजमेंट के साथ इंस्पेक्शन फाइंडिंग्स शेयर की,
तो उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई उस ज़माने से और इस वक्त माशाल्लाह बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर, कैथ लेबॉरटरी के अंदर और आईसीयू के हवाले से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आई। माशाल्लाह वेल इक्विप्ड फैसिलिटी है और पूरी हैदराबाद डिवीज़न और बल्कि और डिवीज़न के भी पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं। आज हमें ये भी पता चला कि तकरीबन ओपीडी अटेंडेंट्स जो मोर देन 11,000 है, तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। जब ये इंडिकेट करता है कि जब पेशेंट सेटिस्फाई है तब ये इस हॉस्पिटल का रुख करते हैं और यहाँ की फैसिलिटीज़ को वो मानते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं।